तो गाइज आज हम जैसे कि बनाने वाले हैं बम्बई की स्पेशली डिश, एकदम बोले तो स्पेशली और ज़्यादा पब्लिकिटी की मतलब डिमांड की। सो फाइनली दोस्तों ये मसाला ले लिया हमने, पूरन जो बनाने का था हमको, दाबेली मसाला कहते हैं इसको। ये ऑनलाइन मिल सकता है आपको या फिर मार्केट में भी मिलता है। सो फाइनली दोस्तों हमारी मीठी चटनी अलग प्रकार वाली बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप, हमारा पूरा रेडी हो चुका है, दाबेली का पूरा सिस्टम ओके एकदम। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप, हमने दाबेली बन। टेस्टी लग रहा है कि नहीं? हेलो गाइस, तो वी आर बैक अनदर वीडियो गाइस, अनदर डे, अनदर ब्लॉग गाइस। तो आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और काफी अच्छे ही रहना है दोस्तों। तो चलिए आज के ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं, देख लीजिए 7 बजे से। तो आज बज रहे हैं अभी 7 और ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप सोच रहे होंगे कि 7 बजे शाम में क्या करेगा स्टार्ट करके। तो गाइज आज हम जैसे कि बनाने वाले हैं स्पेशली डिश, एकदम बोले तो स्पेशली और ज़्यादा पब्लिकिटी की मतलब डिमांड की दाबेली। तो चलिए एकदम फेवरेट डिश है, डिश तो मेरी भी फेवरेट है पर मैं कभी बनाता नहीं था, तो आज हम वो बनाएंगे गाइज। तो चलिए तैयारी वगैरह तो सारी होना स्टार्ट हो रखी है इधर, तो देख सकते हैं आप। तो अभी थोड़ी देर में कहीं जाइएगा मत, जब तक कि आप लाइक सब्सक्राइब ठोकिएगा गाइस, शेयर कमेंट कर देना, ब्लॉग कैसा लगेगा, जैसा भी लगा, अच्छा लगा बुरा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा गाइस। तो चलिए चलते हैं बिना किसी बकचोदी के, रेडी होते हैं और रेडी करते हैं सामान और बनाते हैं दाबेली और फिर टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं अभी थोड़ी देर। दोस्तों मैं जैसे कि किचन में बैठ चुका हूँ, तो चलिए पहले अपने को पीनट बनाना है। तो पीनट बनेगा जो अपने फल्ली के दाने रहते हैं, सिंगदाना जिसे कहते हैं, तो उससे पीनट बनेगा। और ये ले चुका हूँ मैं गरम मसाला, इसमें नमक मिर्ची और थोड़ा सा केसर वगैरह डाल के, जैसे कि अमचूर पाउडर हो गया, ये सब पाउडर हो गए, तो सब टेस्ट वाले पाउडर डाल के इसमें रेडी हो गया है वो सब। तेल देखो थोड़ा सा तेल डालना है कुछ तरह थोड़े से मात्रा में, और इसको डाल देना है इसमें, और बस इसको डाल के इसको चला देना है थोड़ा सा कैसा, जैसे इसको चला के थोड़ी देर हो गया चलाने से, कि फिर ये इसको इसमें डाल देना है। सो फाइनली दोस्तों ये पीनट बन के हमारा रेडी हो चुका है, तब इसको एक जैसे कि बर्तन में निकाल लेते हैं पूरा। फाइनली दोस्तों ये मसाला ले लिया हमने, पूरन जो बनाने का था हमको, दाबेली मसाला कहते हैं इसको। ये ऑनलाइन मिल सकता है आपको या फिर मार्केट में भी मिलता है। तो ये डाल दिया गया इसमें ऐसा, और इसको थोड़ा सा मिला लीजिए, चला लीजिए ऐसा, तेल में फ्राई कर लीजिए मसाले को। और फिर डाल देना चाहिए इसमें गाइस ये आप थोड़ा सा इसका पानी, इमली का पानी डाल देना चाहिए थोड़ा सा गाइस इसमें, बता लीजिए अगर आपको जैसा लगा वैसा। थोड़ी देर इसको पका देना चाहिए। सो दोस्तों जैसे कि फिर ये जो आलू एकदम बारीक किया हुआ है, तो वो इसके अंदर डाल देना चाहिए ऐसा। तो जैसे कि दोस्तों इसमें थोड़ी थोड़ी हमने नमक और शक्कर डाल दिए, तो जैसा हमने क्लिप शूट किए थे वो, लेकिन वो जैसा जो भी है वो एडिटिंग में मैंने देखा तो नहीं हो पाई, वो नहीं दिखा पाया तो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा डाल देना चाहिए गाइस, वो अभी डाल दिए इसमें, और इसको थोड़े से अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए ऐसा करके, फिर थोड़ी देर पकन देना चाहिए इसको, फिर बन जाता है ये दाबेली का पूरन मसाला एकदम एक नंबर। और इसके बाद गाइस हमारी बनानी रह गई है खाली मीठी चटनी, और मीठी चटनी बन गई तो फिर हमारी दाबेली बन के रेडी हो जाती है। तो मैं आपको सजा वगैरह के बताता हूँ क्या कैसी बनती है होटल पे दाबेली, आप घर पे भी बना सकते हो एकदम आसानी से गाइस। सो दोस्तों जैसे कि हमारा पूरन बन के रेडी हो चुका है, अब हमारी बारी है मीठी चटनी बनाने की। जैसे इमली का पानी हमने ले चुके हैं और उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल चुके हैं थोड़ी सी मात्रा में, जिसको आज करते हैं तेज़।
और ये मसाला डाल देते हैं इसके अंदर, गरम मसाला है गाइस, और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। और इसको डाल देते हैं हम इसमें, और यहाँ पे आज कर लेते हैं तेल, और इसमें डाल देते थोड़ी सी चीनी गाइस, कि मीठी और रहे नहीं वो होना। बस थोड़ी देर इसको पकन देते गाइस, फिर बन जाती है एकदम बेस्ट वाली मीठी चटनी, आपको दिखाएंगे गाइस। तो फाइनली दोस्तों हमारी मीठी चटनी अलग प्रकार वाली बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप एकदम पतली वाली मीठी चटनी। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप हमारा पूरा रेडी हो चुका है दाबेली का पूरा सिस्टम, ओके एकदम, देख सकते हैं मीठी चटनी, इधर मसाला, इधर पूरा और इधर सारे डिश, मतलब टमाटर, कांदा, सांभर, हर चीज रेडी हो चुका है, और इधर हमारे पाव भी आ चुके हैं। तो चलिए बनाते हैं, बना के दिखाते हैं आपको। और इधर मैंने तवा भी रख चुका हूँ, तवे के ऊपर बटर भी डाल दिया हूँ, और बटर पे फ्राई करके आपको खिलाता हूँ, मतलब मैं खाता हूँ और आपको टेस्ट बताता हूँ। कहीं जाइएगा मत, जब तक के लाइक और सब्सक्राइब ठोक दीजिएगा, आपका भाई इतना मेहनत कर रहा है तो आपको सपोर्ट करना बनता ही है दोस्तों, आपके सपोर्ट से हमको आगे जाना है, बस आपका यह प्यार और सपोर्ट चाहिए हमको जो आप दिखा रहे हैं, और आगे तक के ऐसे ही दिखाते जाना, इससे भी और नेक्स्ट लेवल दिखाना, और नेक्स्ट लेवल जैसे कि ब्लॉग वगैरह, ये वीडियो वगैरह आने वाली है गाइस, तो कहीं जाइएगा मैं चैनल पे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आपको आपके मुँह में पानी आ रहा है, कमेंट करके बताना किसी किसको आ रहा है, मुझे तो बहुत आ रहा है, मैं पहले बनाता हूँ आपको भी, मतलब मैं खाता हूँ आपको टेस्ट बताता हूँ गाइस। तो फर्स्ट टाइम पहले तो पाव उठा लीजिए, और प्लस सिंगल सिंगल का ही तो सही रहेगा मेरे अंदाज से, इसको काट लिएगा ऐसे और ऐसा फाड़ लो उसको, और फाड़ने के बाद में बस दोस्तों इसको मीठी चटनी लगा दो ऐसे इस पर सही से दोनों तरफ से, और फिर थोड़ा सा पूरन लगा दीजिए ऐसा, और फिर ये डाल दीजिए बंद, फिर ऑनियन डाल दीजिए थोड़ा सा, फिर ये टोमेटो वगैरह और थोड़ा सा धनिया पत्ती, और फिर आ गया उस पर आपका ये पूरन, और ये बन के रेडी हो चुका है आपका दाबेली। अब इस ये जाएगा तवे, सो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं आप हमने दाबेली बना के फुल रेडी कर दिया, फर्स्ट टाइम था, जैसा भी बना मेरे अंदाज से तो बढ़िया लग रहा है और बेस्ट लग रहा है, वो मुंह में से पानी आ रहा है, तो चलिए देखते हैं खाके कैसा लग रहा है। वाह एकदम लाजवाब नेक्स्ट लेवल टेस्ट है, तो चलिए इसको खा के खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों दाबेली खाने के लिए हमारे फ्रेंड लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं अमित भैया, धीरज भैया, इधर माधव भैया भी आ चुके हैं दाबेली खाने को, तो देखिए दाबेली का सारा सामान रखा हुआ हूँ मैंने, तो चलिए फटाक से मैं इनको भैया लोगों को दाबेली खिलाता हूँ, है ना अमित भैया, दाबेली खाने को आए हुए ना। हाँ। तो फिर दाबेली खा के बताना ब्लॉग में कैसा लगेंगी, कैसे अच्छी लगी, बुरी लगी, भैया की दाबेली फेमस होएंगी कि नहीं होएंगी, फेमस होएंगी, और फिर पैसे तो लगेंगे, तो पैसे देना पड़ेगा भाई, पैसे देंगे ना। हाँ तो चलिए पैसे देने, पैसे की करार हो चुकी है हमारे, जैसे कि दोस्त लोग से कि हम खिलाएंगे तो पैसे देंगे हमको, तो चलिए उठता हूँ मैं, बनाता हूँ फटाक से हमारे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट सब्सक्राइबरों से, ये हमारे दोस्त लोग हैं, मतलब हमारे क्यूट से सब्सक्राइबर कभी आते हैं तो हमारे घर तक के लेके आते हैं हमारे भैया लोग, तो भैया लोग उसके लिए काफ़ी आपको मैं आपकी सहमत हूँ, मतलब आपके लिए प्यार उमट के आ रहा है हमारे लिए, तो चलिए ज़्यादा प्यार उमटाते नहीं है, अब बनाते हैं दाबेली।
बोलो ना मम्मी, अच्छा लग रहा।